ओके बच्चों, तो रेडी हो जाइए। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने संदीप पांडे क्लासेस में। तो आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7 हम पढ़ने जा रहे हैं, और जिसमें आज हम पहले सीखेंगे, सबसे पहले सीखेंगे कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में चार्ज की इक्वेशन क्या होती है और करंट की इक्वेशन क्या होगी, और चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, ये सीखेंगे। ठीक है ना, ये ग्राफ कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, वैल्यू पूछ लेता है, इसमें टाइम कांस्टेंट क्या होता है वो सब सीखेंगे। ठीक है ना, टाइम कांस्टेंट। तो हेडिंग लगा दीजिए चार्जिंग, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, क्लियर है, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। जैसे अगर आप मान लो एक कैपेसिटर आपके पास है, इसे चार्ज करना है, क्या करना है, चार्ज। तो चार्ज करने के लिए हम इसे एक रजिस्टर के थ्रू जोड़ेंगे। पहले डायरेक्टली कैपेसिटर को हम बैटरी से नहीं जोड़ते, ठीक है ना, क्योंकि जब डायरेक्ट कैपेसिटर अगर हम लगा देंगे तो करंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ना, बहुत मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा और जल्दी से क्या होगा, वो हो जाएगा, शॉर्ट करेगा, मतलब कि हीट एनर्जी लॉस ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम करंट सप्लाई देंगे, ठीक है, करंट सप्लाई देंगे मगर एक रजिस्टर के थ्रू। ये रेजिस्टेंस R है और एक कैपेसिटेंस C है। यहाँ से बैटरी से करंट निकला, करंट निकला, ठीक है ना। तो जब टाइम जीरो था, मतलब करंट यहाँ से निकला 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 निकला, करंट निकला, अभी करंट यहाँ नहीं पहुँचा है, अभी कहाँ है, रजिस्टर, कहाँ पे है, रजिस्टर में। जब करंट रजिस्टर में होता है तो करंट मैक्सिमम होता है, क्या होता है, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम आई नॉट है, ये हम मैक्सिमम मान रहे हैं कब, जब एट टी इक्वल टू जीरो है। इस समय चार्ज क्या है यहाँ पे, जीरो है, क्लियर। कुछ टाइम बीता, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आए। जब ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो कुछ टाइम बाद हमने चार्ज कितना मान लिया, प्लस क्यू, तो प्रोसेस ऑफ इंडक्शन कितना आएगा, माइनस क्यू, प्लस प्लस, इस पर चार्ज क्रिएट हुआ, से माइनस माइनस माइनस। ये वी वोल्ट का क्या है, बैटरी है, असल है। तो एट या आफ्टर टाइम टी करंट की और चार्ज की इक्वेशन क्या होगी, तो ध्यान दो, इस पर चार्ज धीरे धीरे स्टोर्ड होगा, चार्ज धीरे धीरे स्टोर्ड होगा। ये चार्ज कहां से निकलेगा, बैटरी से निकलेगा, है ना, यहां से नहीं, मतलब पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कहते हैं करंट, पॉजिटिव चार्ज क्या कहते हैं, करंट। तो करंट यहां से निकलेगा शुरू में, और शुरू में कैपेसिटर बहुत तेजी से चार्ज होगा। शुरू में कैपेसिटर बहुत तेजी से चार्ज होता है, बाद में क्या होगा, बहुत धीरे धीरे चार्ज होगा, बाद में बहुत धीरे धीरे चार्ज होगा, और इनफाइनाइट समय में क्या होगा, मतलब बहुत ज्यादा समय ले लेगा फुल चार्ज होने में, मतलब 95% तो बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा, कितना, 95%, और फिर 96%, 97, 98 होते होते टाइम बहुत लगेगा। अगर मान लो हमने कहा एग्जांपल के तौर पे 95% चार्ज होने में मैक्सिमम कितना लगा, मान लो कि लगा हमको 30 सेकेंड, कितना लगा, 30 सेकेंड, 95, तो 98% होते होते लग जाएगा कम से कम, मान चलो कि 1 करोड़ सेकेंड, कितना सेकेंड, 1 करोड़ सेकेंड, इतना टाइम लग जाएगा, बहुत धीरे धीरे चार्ज होगा। मतलब 1 करोड़ टाइम क्या मानेंगे, तब वो इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा, वो टाइम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो यही हमें जानना होता है कि चार्जिंग में होता क्या है आखिर। तो शुरुआत में कैपेसिटर बहुत तेजी से चार्ज होता है, और बाद में क्या होता है, बहुत स्लोली, बहुत टाइम टेकन लेता है फुली चार्ज होने में, इनफाइनाइट टाइम,
ठीक है। तो जो चार्ज की इक्वेशन होती है, तो यहां पे चार्ज करंट निकलेगा, ये चार्ज गेन करेगा, यहां से चार्ज क्या होगा कम होगा, मतलब करंट क्या होगा धीरे धीरे डिक्रीज करेगा और चार्ज क्या होगा धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। क्लियर? तो यहां पे क्या होता है आफ्टर टाइम टी चार्ज क्यू इंक्रीजेस, चार्ज क्या होगा इसमें इंक्रीजेस एंड करंट आई, करंट आई ये क्या होगा डिक्रीजेस होगा, ठीक है ना, विथ टाइम, विथ टाइम। क्लियर है ना? तो इस कंडीशन में आपको ये इसका इक्वेशन प्रूविंग करने की जरूरत नहीं है। एक जमाने में प्रूविंग इसकी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछता था, तो प्रूविंग कर सकते हो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वगैरह लगा कर या नेट करंट निकाल करके, है ना, टोटल पोटेंशियल इंटीग्रेशन वगैरह करके, बहुत लंबा प्रोसेस है, कोई मतलब नहीं है उसका। तो डायरेक्ट चार्ज की इक्वेशन याद करिए इस चार्जिंग कंडीशन में, तो इक्वेशन ऑफ चार्ज, इक्वेशन ऑफ चार्ज एट इंस्टेंट टी, टी इंस्टेंट पर चार्ज जो इक्वेशन होती है क्यू इक्वल टू, मान लेते हैं मैक्सिमम चार्ज कितना होता है इस पर क्यू नॉट, जब काफ़ी लंबा टाइम बीत जाता है तो 100% जब ये चार्ज हो जाता है 99.9%, तो कितना चार्ज होता है मैक्सिमम क्यू नॉट, और ये जो क्यू है वो किसी इंस्टेंट पे है, 10 सेकेंड या 5 सेकेंड पर चार्ज कितना हुआ है वो है। तो क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 - e^-t/RC, क्या होता है क्लियर, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 - e^-t/RC, यही है चार्ज की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन? चार्ज। यहां आरसी को हम लोग कहते हैं, आरसी इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाँ ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका कैपेसिटेंस सी भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट क्या होगा कांस्टेंट, और ये टाइम के साथ में डिवाइडेशन है, तो इसे हम लोग क्या मानते हैं टाइम कांस्टेंट, क्योंकि ये जो है टाइम है, ये जो टाइम हमने लिया मान लो 5 सेकेंड लिया, तो 5 सेकेंड क्या है एक कांस्टेंट नंबर हो गया, बोला है कि नहीं, लेकिन टाइम क्या करता है वैरी करता रहता है, आपको भी पता है टाइम तो बीतता रहेगा, तो टाइम के लिए क्या है ये कांस्टेंट है, मतलब ये भी टाइम की एक वैल्यू है, क्या है एक वैल्यू है, क्लियर है ना। तो आरसी इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट एंड एंड इट इज डिनोटेड बाय, समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों, बाय टाउ, इसे किससे डिनोट करते हैं टाउ से, तो टाउ इक्वल टू क्या होगा आरसी, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि ये इक्वेशन हम प्रूफ कर सकते हैं लेकिन प्रूफ नहीं करेंगे, आपके नीट के एग्जाम में प्रूविंग नहीं आती, पता है सबको, जेई मेंस में प्रूविंग नहीं आएगी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी प्रूविंग नहीं आएगी, क्योंकि सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो कर रही है, एनसीईआरटी में है ही नहीं, क्लियर है ना। तो नीट एग्जाम के लिए मैं ये, जेई मेंस जो बच्चे एग्जाम देना चाह रहे होंगे उनके लिए क्वेश्चन है, क्लियर, आप इन फ्यूचर जेई मेंस का या नीट एग्जाम देंगे तो उसके लिए ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आरसी सर्किट पूछता है चार्जिंग के बारे में, तो उस चार्ज का इक्वेशन क्या होगा क्यू नॉट 1 - e^t/RC, बोलो क्लियर है। अब आरसी के प्लेस पे हम टाउ रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं टाउ, और क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 - e^t/tau, अगर ऐसे भी लिखा है तो गलत नहीं है, ये भी चीज वही है, क्लियर है। तो चार्ज की इक्वेशन ये बनेगी, चार्ज की इक्वेशन क्या बनेगी यही बनेगी, और उसी इक्वेशन से, इस इक्वेशन से आप इस क्यू और टाइम, क्यू और टी के बीच ग्राफ प्लॉट कर सकती हो, किसके बीच क्यू और टी के बीच जो ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग, देखो कुछ ऐसा होता है, कहाँ लगे इधर लगे टाइम एक्सिस, ये है चार्ज क्यू, यह है ओरिजिन, तो ग्राफ कुछ इसका ऐसा जाएगा, ऐसा ग्राफ जाएगा, है ना, ये इनफाइनाइट टाइम लगेगा इसको मैक्सिमम चार्ज होने में, ऐसे ये क्यू नॉट होने में क्या लगेगा टाइम बहुत लगेगा, है कि नहीं क्लियर, ये क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज है और मैक्सिमम चार्ज होने में टाइम क्या लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ता रहेगा,
लेकिन मान लो टी इक्वल टू टाउ पर, टी इक्वल टू टाउ, टी इक्वल टू टाउ, टाउ क्या है, एक टाइम है, मान लो जीरो से बढ़ा कुछ टाइम बीता, ये टाउ वो टाइम है जहां पर हमारा चार्ज 63% चार्ज हो जाता है। कितना चार्ज हो जाता है, 63% चार्ज होता है, ये कैलकुलेट करके निकाला गया है। अगर टी इक्वल टू हम यहाँ टाउ माने तो इस टाइम पर ऐसे यहाँ पे 0.63 क्यू नॉट चार्ज है, मतलब मैक्सिमम चार्ज कितना है क्यू नॉट, उसका कितना 0.63 क्यू नॉट, मतलब 63% चार्ज भाई 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, 63% चार्ज हो जाता है यहाँ पे, और मैक्सिमम होने में भी थोड़ा सा टाइम लेगा, क्या लेगा, तो ये ग्राफ है, क्लियर, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए इसे। तो ये था चार्ज का इक्वेशन और चार्ज का ग्राफ, ठीक है, किसका इक्वेशन, चार्ज का इक्वेशन और चार्ज का ग्राफ बन गया, आपने बना लिया, ठीक है। अब हम लिखेंगे करंट की इक्वेशन, तो लिखे पैराग्राफ चेंज करके, एट एनी इंस्टेंट टी, एट एनी इंस्टेंट टी, मतलब इसी इंस्टेंट पर, इंस्टेंट टी, इक्वेशन ऑफ करंट, इक्वेशन ऑफ करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट e की पावर माइनस टी बाई आर सी, ये होता है फार्मूला इक्वेशन, या इसी को हम यहां पर टाउ लिख देंगे, i इक्वल टू आई नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, इक्वेशन नंबर टू। तो एट t इक्वल टू टाउ पर जो करंट i होगा वो कितना होगा, I नॉट इन टू वन बाई ई, मतलब इसकी वैल्यू होती है कितना 0.37 आई नॉट, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इनफाइनाइट कर दो, कहाँ पे, टी पर, तो इनफाइनाइट अपॉन कोई भी चीज क्या होगा, इनफाइनाइट, और ई की पावर इनफाइनाइट कितना होगा, किसी भी चीज पावर इनफाइनाइट हो उसकी वैल्यू कितनी होती है, हाँ, तो इसे मैं ई पावर इनफाइनाइट लिखूंगा, वन बाई इनफाइनाइट, और वन बाई ई पावर इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, और वन बाई इनफाइनाइट मतलब जीरो, मतलब कि हम ई की पावर अगर इनफाइनाइट होता है तो उसकी वैल्यू शायद वन होती है, कितनी होती है वन, मैथ्स में पढ़ा होगा ना ई पावर माइनस एक्स होता है फार्मूला, वन माइनस एक्स प्लस फैक्टोरियल टू पढ़ा होगा ना ई पावर माइनस एक्स करके, ये पढ़ा होगा ना ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, इस तरह से ना पढ़ा, नहीं पढ़ा है ना मैथ्स में, तो सब ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा, लास्ट में कितना बचेगा वन बचेगा, मतलब एक पावर इनफाइनाइट कितना हो जाएगा वन हो जाएगा इनफाइनाइट, तो करंट हमारा क्या हो जाएगा घट करके, अच्छा ये जीरो हो जाएगा, करंट घट के जीरो हो जाएगा, ठीक है, करंट घट के हमारा जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, वन बाई एक पावर इनफाइनाइट आएगा, उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब यहाँ रखेंगे तो ये हमारा क्यू नॉट आ जाएगा, तो फाइनली आई जीरो हो जाएगा इनफाइनाइट टाइम के लिए। तो जो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनेगा बेटा, टी और आई, वो ग्राफ देखो, यहाँ पे करंट क्या है, मैक्सिमम है, कहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, ऐसे ग्राफ, ये ओरिजिन है। तो एट टी इक्वल टू टाउ के लिए करंट हमारा होता है कितना 0.37 ऑफ आई नॉट, मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा, ये यह आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट, और ये करंट कितना होगा सर्किट में, आई नॉट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है, वोल्टेज अपॉन, ये तब लेंगे जब टी इक्वल टू क्या रहेगा जीरो, ठीक है। तो ये करंट की इक्वेशन हो गई, किसकी इक्वेशन हो गई, करंट की इक्वेशन और करंट का ग्राफ,
ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिस्चार्जिंग हो गया है, अब क्या चार्जिंग हो गया है, अब पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग। तो हेडिंग लगाए बच्चों, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बच्चों अब कैपेसिटर क्या करना है, डिस्चार्ज करना है। देखो चार्ज करना होता है तो एक बैटरी लगा देती है, है ना। अगर डिस्चार्ज करना है तो क्या होगा, हम कैपेसिटर के अक्रॉस एक रजिस्टर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, रजिस्टर। जैसे कोई बल्ब लगा दिया हमने, तो बल्ब लगा देंगे क्या होगा, शुरुआत में बहुत तेजी से करंट उसमें आएगा, बाद में करंट क्या हो जाएगा, बहुत धीमे धीमे फ्लो करेगा। भाई कैपेसिटर है एक, उसके अक्रॉस एक बल्ब लगा दीजिए तो सडनली करंट क्या होगा, बहुत ही कम टाइम में करंट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, हो रहे उसमें फ्लो करेगा, बल्ब के थ्रू ग्लो करेगा, बाद में करंट बहुत धीरे धीरे ग्रो करेगा। करंट धीरे धीरे ग्रो करने का मतलब क्या है कि चार्ज उसमें कैपेसिटर से क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, तो डिस्चार्ज हो रहा है। कौन डिस्चार्ज हो रहा है, हमारा कैपेसिटर। क्लियर। जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, कैपेसिटर है, ठीक है। ये फुली चार्ज कितना है, क्यू नॉट, कितना है क्यू नॉट, फुल चार्ज है। क्लियर है, इसे डिस्चार्ज करना है। क्या करोगे, चार्ज को खींच लोगे पकड़ करके, काट छलक कर दोगे, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। कुछ नहीं करोगे, यहाँ से एक वायर उठाओगे, एक रजिस्टर बल्ब लगा करके ऐसे, ये रजिस्टर का मतलब बल्ब लगा दिया और हमारा अपने आप ये चार्ज यहाँ से धर फ्लो करेगा ऐसे, है ना। चार्ज अपने आप दौड़ना स्टार्ट कर देगा, भाई सर्किट कंप्लीट हो गया। तो सर्किट ओपन था तो फुली चार्ज था, करंट फ्लो नहीं कर रहा था। जैसे ही क्या हुआ कि बल्ब लगाया, चार्ज यहाँ से करंट मतलब आना शुरू हो गया। तो ये जो है कहानी है, एट टी इक्वल टू जीरो पर चार्ज क्या है, मैक्सिमम है, चार्ज इज मैक्सिमम, ठीक है। तो आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम बीता, आफ्टर टाइम टी चार्ज घट करके क्या हो गया, क्यू नॉट से घट करके कितना हो गया, ये क्यू हो गया। क्लियर। तो इस Q के लिए इक्वेशन क्या होगा, देन इक्वेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू क्यू नॉट e पावर माइनस टी बाई आर सी हो जाएगा। मतलब जब चार्ज कोई भी चीज घटेगा तो सिर्फ इस टाइप का इक्वेशन बनेगा। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज डिक्रीजेस, चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एंड करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीजेस, करंट क्या है यहाँ पे, इंक्रीजेस है। तो चार्ज की इक्वेशन क्या होगी, क्यू नॉट ई पावर माइनस टी बाई टाउ। ग्राफ क्या होगा, जो करंट का ग्राफ पहले था अब चार्ज का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ चार्ज क्या था, मैक्सिमम था Q नॉट, अब ये घट करके ऐसे ग्राफ हो जाएगा, इस तरह ग्राफ बनेगा। क्लियर। एट टी इक्वल टू टाउ पर चार्ज घट करके कितना हो जाएगा, 0.37 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज, मतलब घट करके कितना रह जाएगा, 37% बचा रह जाएगा। अब 37% से जीरो होने में टाइम लगेगा, क्या लगेगा, टाइम लगेगा। मान लो 37% है ये, अब 37% से 10% आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 10% से जीरो होने में बहुत टाइम लगेगा, लॉन्ग टाइम। इसीलिए देखो जीरो नहीं खा रहा है, ऐसे ग्राफ बनेगा। क्लियर है। तो ये किसकी क्वेश्चन हो गई, चार्ज की। यहाँ चार्ज डिक्रीज कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज मतलब ग्रो कर रहा है, क्या कर रहा है, ग्रो। और इसका हो रहा है डीके मतलब लॉस, ठीक है, बना लीजिए इसको। तो अब आइए करंट की इक्वेशन देखते हैं इससे करेस्पॉन्डिंग में। जब चार्ज यहां पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, चार्ज लॉस होगा, डीके होगा चार्ज का,
तो करंट क्या करेगा यहाँ पे, ग्रो करेगा। करंट क्या करेगा, ग्रो। तो ग्रो करेगा, कितना ग्रो करेगा, तो एट इंस्टेंट टी, एट इंस्टेंट टी इक्वेशन ऑफ करंट विल बी आई इक्वल टू आई नॉट वन माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी, या इसी को लिखेंगे आई इक्वल टू आई नॉट वन माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, अब इसको देख करके आप क्या कर सकते हो, यहां पे आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट जो कि V बाई आर के बराबर होगा। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होगा, यहाँ चार्ज ग्रो कर रहा है, सॉरी करंट ग्रो कर रहा है ना, करंट क्या कर रहा है इसमें, ग्रो। तो I वर्सेस ग्राफ कैसा होगा, T इधर लेंगे, इधर क्या लेंगे, I लेंगे, जीरो, ये जीरो से ग्रो करेगा कुछ ऐसा है ना, ये मैक्सिमम करंट कितना है आई नॉट, क्लियर है, ये टी इक्वल टू टाउ पर करंट कितना हो जाएगा, बढ़ करके करंट इंक्रीज करके 0.63% ऑफ मैक्सिमम करंट का रह जाएगा, क्लियर है ना। तो ये है डिस्चार्जिंग केस में करंट ग्रो करेगा, उसका ग्राफ ऐसा होगा, इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, टाउ यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, आई नॉट मैक्सिमम करंट है, तो कितना होगा, वी बाई आर ही होगा जो कि आपने पहले निकाल रखा है ना। तो यही है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो ये हुआ आपका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है ना। तो लगाइए हेडिंग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, और उसके हम पढ़ेंगे पावर क्या होगा, और मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहता है। ठीक है, तो ये सब चीजें पढ़ेंगे। क्या हुआ बेटा, डाल हेडिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, आपको पता है कि जब किसी कंडक्टर को हम किसी बैटरी से अगर जोड़ते हैं, है ना, बैटरी से की के थ्रू, बैटरी का वोल्टेज कितना है वी, यहाँ से करंट निकला आई, तो ये रजिस्टर है आर, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी होगा। ठीक है, तो जब करंट फ्लो कराएंगे तो करंट कैसे फ्लो होता है आपने पढ़ा होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मॉडल, जो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही बनती है तो वहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उस पर एक लगता है फोर्स, कौन लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब फील्ड लगाती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इस पर एक फोर्स अप्लाई करती है जिससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं हाई स्पीड से, वो फिर टकराते हैं, वो एनर्जी जो फोर्स लगा उनमें वेलोसिटी चेंजेस आया और एक्सेलरेशन आया, ई बाई एम पढ़ा है ना, एक्सेलरेशन कितना होता है ई बाई एम, ये एक्सेलरेशन आया मतलब वेलोसिटी चेंज हुई, मतलब हम ये कहेंगे एनर्जी इंक्रीज हुई, क्या इंक्रीज हुई, तो एनर्जी कहाँ से मिला इलेक्ट्रॉन्स को, बैटरी से, कहाँ से मिला, ये जो बैटरी से एनर्जी मिलता है ये पॉजिटिव आयन से कोलाइड करके अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं। ठीक है ना, एनर्जी क्या करते हैं ये लॉस कर देते हैं, और वही जो एनर्जी है
वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। तो फिगर बना लीजिए, उसमें लिखिए व्हेन अ रजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस, व्हेन अ रजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस across a battery, then जो ये बैटरी वर्क करती है चार्ज को फ्लो कराने में, जो बैटरी वर्क करती है किसको फ्लो कराने में? चार्ज को फ्लो कराने में, वही वर्क हीट के फॉर्म में क्या होती है? कन्वर्ट हो जाती है। लिखो द वर्क डन, देन द वर्क डन इन फ्लोइंग चार्ज वर्क डन इन फ्लोइंग अ चार्ज लिखा इज कन्वर्टेड इन टू हीट एनर्जी, इज कन्वर्टेड इन टू हीट एनर्जी। ठीक है ना? सर्किट में मतलब रजिस्टर के थ्रू चार्ज को फ्लो कराने में जो वर्क डन होता है बैटरी से, वो वर्क डन किस में कन्वर्ट होता है? हीट एनर्जी के फॉर्म में, कोलिजन करके। ठीक है ना? तो इसमें आप लिख सकते हैं क्या कि हीट एनर्जी इज डिनोटेड बाय एच और इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी। तो बैटरी वर्क कितना करेगी? हमने मान लिया कि चार्ज क्यू फ्लो होता है, लेट क्यू चार्ज फ्लो, क्यू चार्ज फ्लोज थ्रू टाइम टी, टी टाइम में कोई चार्ज फ्लो होता है। इफ वोल्टेज ऑफ बैटरी इज वी, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा? वी क्यू। क्लियर? डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू, यही वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा? हीट एनर्जी। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हीट एनर्जी इक्वल टू वी क्यू। इक्वेशन नंबर थर्ड, इलेक्ट्रिक करंट अगर आई है तो क्यू इक्वल टू क्या आपने पढ़ा है? आई टी। तो यहाँ रखेंगे एच इज इक्वल टू वी आई टी। क्लियर? यही है इक्वेशन नंबर फोर्थ। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यही क्या है बच्चों? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, मतलब जो वर्क डन होता है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यही क्या है आपका? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट को फ्लो होने से हीट जनरेट हो रहा है तो क्या कहेंगे आप? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर है ना? तो फोर्थ इक्वेशन तक लिखिए एच इक्वल टू वी आई टी, फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए तो यहां तक आप लोग नोट कर लिए है ना? अब यहां लगा देते हैं ओम्स लॉ। इसमें क्या लगा देते हैं? ओम्स लॉ। तो यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का यूज करेंगे और V इक्वल टू कितना पढ़ रखा है अपनी? आई आर, आई आर। तो बाई इक्वेशन फोर्थ V इक्वल टू H इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? H इक्वल टू आई इन टू आर रखें तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। और उसी में अगर हम I इक्वल टू V बाई आर रखें वहाँ पे तो एच इक्वल टू क्या होगा? वी स्क्वायर बाई आर टी। ये भी फार्मूला हो सकता है। ये सब जितना भी हीट एनर्जी आ रहा है सब जूल में है। किसमें है ये? जूल में। तो मैं लिख सकता हूँ एच इक्वल टू वी आई टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी। ये सब किसमें है? ये जूल में है। क्लियर? नोट कर लीजिए ये सब किस में आया? जूल में आया।
अब आप लोगों को जूल और उसमें क्या कहते हैं, जूल कांस्टेंट और उसमें किसमें याद है, कैलोरी, हीट की एसआई यूनिट मतलब जूल ही होती है, लेकिन हीट को हम लोग मेज़र करते हैं किसमें, कैलोरी में, है ना। तो अगर हीट और कैलोरी की बात करें तो वन कैलोरी में कितना जूल होता है, तो आपको पता है कि वन कैलोरी 4.18 जूल होता है, राउंड फिगर 4.2 जूल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वन जूल अगर निकाले तो कितना आएगा, 1/4.2 कैलोरी। इसी चीज़ को हम कैलोरी अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो कर सकते हैं ना, तो हीट एनर्जी आ जाएगी VIT/4.2 I² RT/4.2 बराबर V² / 4.2 R × T। ये कैलोरी में आ जाएगा बेटा, किस में आ जाएगा, ये कैलोरी में। कभी कभी MCQ में कैलोरी में अगर दिया है तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी फार्मूला होता है किसका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मतलब हीट एनर्जी, ठीक है। तो यही क्या है आपका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हाँ, नोट कर लीजिए इतनी बातें। यही है हीट एनर्जी, फार्मूला याद रखना, इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं। एरेस कर दो बेटा, ओके। अब डाल दीजिए हेडिंग इसमें इलेक्ट्रिक पावर, हेडिंग क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर किसका होता है मालूम है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का, है ना। इलेक्ट्रिक पावर हेडिंग डाल दीजिए, पावर को हमेशा पी से दिखाओगे बेटा, किससे, और ये हीट डिसिपेशन बाय क्या होता है, टाइम, मतलब हीट डिसिपेट कितना कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस लाइक बल्ब, मोटर, एसी, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस है। ये हीट कितना डिसिपेट कर रहा है, उसका रेट क्या है, उसी को हम लोग कहते हैं पावर। और डेफिनेशन क्या बताएंगे इसका, द रेट ऑफ हीट डिसिपेशन, हीट ऑफ द रेट ऑफ हीट डिसिपेशन बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस is called its power, इसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, पावर कहेंगे। और कैसी क्वांटिटी है ये, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है कि नहीं। तो P=S/T हो, ये मेन फार्मूला है, क्लियर है। और यहाँ से बिकॉज आपने S=, क्या पढ़ा है, VIT, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट पावर कितना आएगा, VIT/T कैंसिल, P कितना आया आपका, V × I, क्लियर। सेकेंड नंबर V=IR होता है बेटा, तो P=I²R ये हो जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड, और I=V/R भी होता है, तो यहाँ से पावर लिखेंगे यहाँ पे I, तो P=V²R, ठीक है। तो ये होते हैं पावर के फार्मूले, ठीक है, इतनी बातें नोट करिए।
तो ये हो गए पावर के फार्मूले। अब इसकी जो SI यूनिट होती है पावर की, SI यूनिट ऑफ पावर, तो इसका जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, इसी को हम लोग वाट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वाट। मतलब 1 वाट इज इक्वल टू, वाट को डब्ल्यू से नोट करेंगे, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ये वाट का डिफिनीशन है। इसके अदर यूनिट होते हैं किलोवाट और मेगावाट। 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट, मेगावाट 10 की पावर 6 वाट। ये भी 2 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। और इंजीनियरिंग में या मैकेनिक्स में हम पावर की जो यूनिट यूज़ करते हैं, किसकी? मैकेनिक्स में। इन मैकेनिक्स यूनिट ऑफ पावर इज, हॉर्स पावर, ठीक है। इसका सिंबल स्मॉल HP होता है। हॉर्स पावर मतलब HP, और 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट होता है। कहते हैं ना ट्रैक्टर या पानी खींचने वाला मोटर कितने हॉर्स पावर का है, कहते हैं नहीं कहते हैं, तो वो मैकेनिक्स में आता है, ऑटोमोबाइल्स में मतलब कह लीजिए, ठीक है। तो ये पावर की क्या होती है? यूनिट होती है। क्लियर? इतनी बातें इस साइड इरेज कर दें। हाँ, एक है किलोवाट आर, क्या होता है? हाँ, डालना हेडिंग किलोवाट आर, हेडिंग डाल दो। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट है। किसकी? इट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब जो हमारे घरों में लाइट आ रही है ना, वो क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। उसको हम लोग मेजर करते हैं, कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, उसका बिल पे करते हैं आप लोग, है ना? यहाँ भी बिल पे होता है, तो वही है किलोवाट आर। इट इज ऑल्सो नोन एज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, मतलब व्यापार के उद्देश्य से, शॉर्ट में BOT कहते हैं। एंड जनरली कॉल्ड एज अ यूनिट, क्या कहते हैं? यूनिट। मतलब 1 यूनिट कितना होता है? कहोगे 1 किलोवाट आर, कितना होगा? 1 किलोवाट आर। और 1 किलोवाट आर कितना होता है? तो 1 किलोवाट इंटू 1 आर, ये 1000 वाट होता है, और ये 3600 सेकेंड होता है। तो 3.6 × 10⁶ जूल आएगा कम से कम। कितना आता है? 36। क्लियर है बेटा? इसको 3.6 × 10⁶ जूल लिख सकते हैं ना, वाट सेकेंड मतलब जूल। क्लियर? तो ये सब क्या है आपका? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर। कभी कभी आपसे एफिशिएंसी पूछ लेता है, कि क्या पूछता है? एफिशिएंसी किसका? इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का। क्या पूछता है? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ऑफ अप्लायंसेस वो निकालते हैं, ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन होता है इनपुट पावर। ये फार्मूला है,
इनपुट पावर, मतलब दो पावर क्या है ये रेशियो है, इसी कोई यूनिट नहीं होती, ये परसेंट में बताएंगे या तो पॉइंट बताएंगे। क्लियर? परसेंटेज बताना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा। तो इफिशियंसी निकालने का किसी भी अप्लायंसेस का, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे बल्ब हो, चाहे इंजन हो, सबका इफिशियंसी निकालना है। तो आउटपुट कितना दे रहा है पावर में, इनपुट पावर कितना आ रहा है, इनपुट मतलब जो आ रहा है मिल रहा है उसे, आउटपुट मतलब जो दे रहा है। क्लियर? तो दोनों का रेशियो क्या होता है आपका, एफिशिएंसी होता है। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। तो फार्मूला याद रहेगा, एच वाई टी वो पावर का जनरल फार्मूला है बेटा, वो कहीं पर भी यूज कर सकते हो, चाहे इनपुट है चाहे आउटपुट हो। न्यूमेरिकल में अगर इनपुट आउटपुट पावर दे रखा है तो आप इफिशियंसी कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे। क्लियर है ना? तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, इसके आगे का जो टॉपिक होगा, नया टॉपिक, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? पढ़िए आप तभी, तब तक पढ़ते रहें, है ना, एंजॉय के साथ बढ़िया से, और न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहें, लड्डू खाते रहें, है ना? पढ़िए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।